कहीं साथियों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड्स मार्केट। हम सभी ने एक बात जो सुनी होगी टीवी के प्रचार में, एड्स में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ी होगी, क्या म्यूचुअल फंड्स सही है .com, म्यूचुअल फंड्स सही है .com। तो आज हम सभी डिटेल में MUTUAL FUNDS म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक डिटेलिंग आज हम सब इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन बातों को आप सभी जान लीजिए ताकि आप सुरक्षित, सेफ और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। सबसे पहले हम सभी को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर म्यूचुअल फंड्स है क्या, किस प्रकार से यह बना, कैसे यह काम करता है और इसके अंतर्गत क्या होते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज हम सभी सीखने वाले हैं। सिंपल अगर कहा जाए तो, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। सिंपल सी बात हम सभी को यह बात करनी होगी कि अगर दुनिया देश के सबसे बड़े आदमी अंबानी को पैसों की अगर जरूरत पड़े किसी भी प्रकार से तो पैसा कहां से लाएंगे। अब आप कहेंगे अरे ईश्वर अंबानी इतने बड़े आदमी, उन पैसों की क्या जरूरत। सभी को पैसों की जरूरत है, यहां तक कि आरबीआई जो पैसा खुद छापता है, जो नोट छापता है, उसको भी पैसे की जरूरत है। पैसों की जरूरत सभी को है। तो अगर अंबानी को कहीं पैसों की जरूरत लगी तो पैसा कहां से लेंगे, या तो किसी से लोन पर लेंगे या किसी से कर्ज पर लेंगे। आरबीआई से ही कर्ज पर मान लीजिए ले रहे हैं। तो अगर आप अनिल अंबानी को यानी मुकेश अंबानी को अगर आप पैसा देना चाहें तो किस प्रकार से देंगे। तो आप कहेंगे सर मेरे 10,000 रुपए मैं देना चाहूं तो उनके लिए 10,000 रुपए का क्या ही मतलब, इतने का तो उनका रिचार्ज एक गांव में लोग करवा देते हैं उनके यहां, उनके लिए 10,000 का क्या ही मतलब। सही सोच रहे हैं, 10,000 का कोई मतलब नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर 10 लोग इकट्ठे मिल जाए तो ये 10,000 1,00,000 हो गया ना। इसी प्रकार से अगर 100 लोग इकट्ठे मिल जाए तो यही 1 करोड़ हो गया। 1,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो यही शायद 100 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से लाखों करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये इतना बड़ा अमाउंट हो गया। आप सभी ऑब्जर्व कीजिए इस बात को, ये कितना बड़ा अमाउंट हो गया। तो सर कहेंगे एक मिनट रुकिए सर, अगर हम 10,000 या 1,00,000 लोगों को इकट्ठा कर पाते तो हम विधायक ना होते, हम विधायक ही जी जाते भाई, क्या दिक्कत है इसमें। अगर हम इतने लोगों को इकट्ठा कर ले जाते, हमारे कहने से लोग 10,000 देने लगते तो हम विधायक बन गए होते। आपको सिर्फ अपने एरिया से नहीं इकट्ठा करना है, पूरे देश भर से 10,000 लोगों को सिर्फ इकट्ठा करना है। आप नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड्स करेगा। जी हाँ, इसी प्रकार से आप 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में अपना डिपॉजिट करवाते हैं और ये लाखों करोड़ लोग ऐसा करवाते हैं। मतलब मैं 10,000 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, आप 5,000, 2,000, 3,000 जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं इस बात को। तो लाखों करोड़ों लोगों का अगर पैसा इस प्रकार से इकट्ठा हो गया तो आप सोचिए कितनी बड़ी रकम बन के तैयार हुई। अब जब इतनी बड़ी रकम हो गई तब मुकेश अंबानी को पता चला कि एक जगह जो है म्यूचुअल फंड है, वहां पर इतना पैसा रखा है लोगों को देने के लिए। मुकेश अंबानी को पैसों का खर्च लगा, पैसों का काम सभी को है। पहुंचे, सर हमको पैसा दे दीजिए। म्यूचुअल फंड्स कहेगा ऐसा तो नहीं देंगे हम। तब फिर कैसा देंगे, इस पर हम इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे, तो वहां से इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड्स कैसे इकट्ठा होता है आप सभी जाने, क्या होता है, लाखों करोड़ों लोगों का पैसा इकट्ठा होता है, इसी को फंड्स बोला जाता है। म्यूचुअल फंड्स मतलब इकट्ठा पैसा, लाखों करोड़ लोगों का पैसा इकट्ठा हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है। अब ये लोग पैसों का करते क्या है कि आपको इतना इंटरेस्ट देते हैं। इसी प्रकार से ये लोग पैसों का इस्तेमाल कुछ जगहों पर करते हैं। सिंपल सी बात कि अब म्यूचुअल फंड्स पर कोई भरोसा क्यों करे, सबसे पहली बात यही किया जाए कि म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा क्यों करे। तो इसका एक तरीका निकाला गया कि बैंक पर तो भरोसा है, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन बैंक्स पर तो भरोसा है ना। तो सरकार क्या हुआ कि इन्हीं बैंक्स में आपके अकाउंट खुलवाए गए, पैसे आपको इन्हीं बैंक्स को देने थे, बस वो म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट में चले जाते। बैंक में तो ही आप पैसे डालेंगे, इन पर भरोसा था। जब चाहते कि सर आपकी रसीद है देखिए ले लीजिए। अब लोगों का भरोसा इस पर मतलब अटल हुआ, तो सरकार यहां कैसे दूर रहती। सरकार ने तुरंत इसके लिए बनाया सेबी,
SEBI, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वो वाली से भी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि आप मतलब इन म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटी मिली कि अगर आप किसी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपको सिक्योर माना जाएगा, आपका म्यूचुअल फंड सिक्योर माना जाएगा, ठीक है। तो इतने में प्राइवेट वाले आए, बोले नहीं सर ऐसा नहीं होगा, हम भी अपना म्यूचुअल फंड्स बनाएंगे। को बना लेंगे? हाँ सर बना लेंगे। फिर आपसे पूछा गया बना लोगे म्यूचुअल फंड्स? बोला हाँ हाँ हम सर इकट्ठा कर लेंगे, म्यूचुअल फंड बना लेंगे। तो कहा ठीक है चलो बनाओ तुम भी अपना। तो एक शब्द आरबीआई ने बनाया जब प्राइवेट वाले आए, NBFC, नेशनल बोर्ड नॉन बैंकिंग फंड कंपनी, इसे बोला गया नॉन बैंकिंग फंड कंपनी, नॉन बैंकिंग फंड कंपनी। ये प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले अपना फंड इकट्ठा करने लगे तो ये म्यूचुअल फंड्स हो गया। सरकार ने इनको परमिशन तो दी कि आप ऐसा कीजिए कि बनाइए बनाइए अपना फंड्स बनाइए, लेकिन एक शब्द जो एडवर्टाइजमेंट करते थे म्यूचुअल फंड्स का उनमें जुड़वा दिया, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब पूरा बताएंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा था तब कार ले लिया, ये सब ले लिया, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद में लास्ट में एक लाइन बोली जाती है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब अब रिस्क है, प्राइवेट वाले इसमें इन्वॉल्व है, अब यहां पर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क है, आप अपने रिस्क पर इसमें काम कीजिएगा। अब ये तो हुई इतनी कहानी, इतनी घटना है। ये हम सभी जान गए अब कि म्यूचुअल फंड्स जो है दो तरीके से इकट्ठा होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन इकट्ठा करता है? एक तो हमारे बैंक इकट्ठा करते हैं जो सरकार इकट्ठा करती है, दूसरा NBFC नॉन बैंकिंग फंड कंपनी इकट्ठा करती है। दो लोग जो है म्यूचुअल फंड्स इकट्ठा करते हैं। अब आप बात करेंगे कि सर ये लोग म्यूचुअल फंड्स का करते क्या है? आपके दिमाग में सवाल आएगा ना कि अगर ये हमारा पैसा लेकर हमको इतना इंटरेस्ट देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग पैसे को चार जगह खर्च करते हैं। कौन कौन से चार जगह? पहला शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में, दूसरा डेफ्ट में, तीसरा डिबेंचर में और तीसरा इक्विटी में। चार जगह शेयर मार्केट से आप सभी परिचित हैं। शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर खरीदते हैं, मतलब आप 1% अगर शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी में 1% के मालिक हो जाते हैं। अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी पैसा, आपका पैसा भी ग्रो करेगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो आप भी लॉस में जाएंगे। ये होता है शेयर मार्केट, मतलब उतने के आप मालिक बने। दूसरी जगह डिबेंचर में आपका जो है पैसा एक्सपेंड होता है। डिबेंचर मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी आई और आपसे कही कि सर हमको जो है आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको इतना परसेंट इस पर जो है इंटरेस्ट देंगे। कोई कंपनी नॉर्मल आई और आपसे कही कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, तो म्यूचुअल फंड्स उनको भी पैसा देता है। डेफ्ट मतलब कोई कंपनी घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है, कोई कर्ज है और वो आपसे आ रही है पैसा लेना चाह रही है, तो मतलब ये डेफ्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। और इक्विटी मतलब भी समझाता हूं, शेयर मार्केट जानते हैं। डेफ्ट ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है। कैसे? जैसे आपको जरूरत है पैसे की, जब कोई कंपनी कर्जे में है तो उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगी, मतलब बोलेगी कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको 25% इंटरेस्ट देते हैं। और म्यूचुअल फंड्स जब 25% इंटरेस्ट पाएगा तो तुरंत पैसा दे देगा, लेकिन पता लगा कि 2-3 कंपनियां डूब गई तो पैसा कहां जाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसे हाई रिस्क बोला जाता है। इसे सबसे लो रिस्क, इसमें हाई रिस्क, इसमें भी उससे लो और इसमें उससे लो रिस्क इसमें होता है, इसे हाई रिस्क बोला जाता है। अब आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा और सर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप डेप्थ में इन्वेस्ट कीजिए, इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। आप सोचे कि 25% ब्याज मतलब बहुत अच्छा है, सबसे हमारा डेप्थ में पैसा लगा दो, पता लगा पैसा आपका डूब गया तो आपको पैसा ही नहीं वापस मिलेगा। इसलिए जब भी जाइए तो अगर मेरी सलाह आप मानिए तो म्यूचुअल फंड्स के शेयर मार्केट में या फिर इक्विटी में पैसा आप न लगाइए, ठीक है। डिवेंचर कंपनी नॉर्मल चल रही है, उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपसे लेके गया लेकिन कम इंटरेस्ट देगा, लेकिन यहां पर आपसे ऋण लिया है, मतलब म्यूचुअल फंड से कंपनी ने ऋण लिया है, कर्ज लिया है। और इक्विटी में क्या होता है, कर्ज भी लिया है और अपना शेयर भी दिया है। शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर दिया जाता है और मालिक बनाया जाता है, कर्ज नहीं लिया जाता है, मतलब पैसे के बदले शेयर दे दिया गया।
तो यहां पर कर्ज में नहीं हूं आपका, मैंने आपसे पैसा लिया शेयर अपना दे दिया, तो यहां पर हिसाब किताब बराबर शेयर मार्केट में। डेफ्ट मतलब जब कोई कंपनी कर्जे में होती है और आपसे पैसा लेती है तो इसमें डेफ्ट में डाला जाता है। डिवेंचर में कोई कंपनी नॉर्मल चल रही है और आपसे पैसा ऋण ले रही, कर्ज ले रही है सिर्फ, तो डिवेंचर आया। इक्विटी मतलब आपसे पैसा कर्ज लिया गया और जो आपने पैसा कर्ज में दिया उसी का मैंने आपको अपना शेयर भी दे दिया, यह इक्विटी होती है। आप सभी आई होप कि आप सभी ये सभी चीजें समझे होंगे। डिवेंचर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्टिबल एक नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल डिवेंचर जिसमें आपको जो है वो शेयर भी दिया जाता है उसी को इक्विटी बोलते हैं, नॉन कन्वर्टिबल जिसमें आपको शेयर नहीं दिया जाता है। तो आशा करता हूं ये म्यूचुअल फंड्स की जो भी जानकारियां थी आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर इसमें म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी बात आपकी अगर बची हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो बात भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।